नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता .com। उबर टेक्नोलॉजी ने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव अमित सिंघल को कंपनी से इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। अमित सिंघल को अपनी पुरानी कंपनी अल्फाबेट में काम करने के दौरान लगे यौन शोषण के आरोप को छिपाने के लिए हटाया गया है। इस बात की जानकारी उबर के प्रवक्ता ने सोमवार को दी। उबर की ओर से यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब कंपनी खुद संगठन के अंदर लगने वाले यौन शोषण के आरोपों की जाँच कर रही है। उबर की एक महिला इंजीनियर ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर और मैनेजर कंपनी के काम करने वाले मैनेजरों के खिलाफ यौन प्रयासों की शिकायतें आने के बाद भी कार्रवाई नहीं करते। महिलाओं को अनचाहे यौन प्रयासों के साथ खराब परफॉर्मेंस रिव्यू देने की धमकी दी जाती है। आपको बता दें कि उबर ने पिछले हफ्ते US के पूर्व अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर को इन दावों की जाँच के लिए नियुक्त किया था। रिकॉर्ड नाम की वेबसाइट ने सिंघल के ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों की जानकारी उबर को दी, जिसके बाद उबर ने सिंघल को कंपनी से जाने के लिए कह दिया। उबर की ओर से बताया गया है कि कंपनी ज्वाइन करते वक्त सिंघल ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोप के बारे में जानकारी नहीं दी थी। वहीं अपने एक बयान में सिंघल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्होंने इस तरह का कोई भी व्यवहार नहीं किया है। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता .com।